गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर साइंस टीचर सत्यभामा फ्रॉम हैप्पी कैम स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को लेसन 7, जिसे हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, मैं आज आप सभी को वो एक बार दोबारा से रिकॉल करवा रही हूँ। व्हाई? बिकॉज टुमारो आई विल टेक योर टेस्ट। ठीक है, कल आपसे बच्चों का टेस्ट होगा, इसीलिए आज मैं आप सभी को इस लेसन को दोबारा से रिकॉल करवा रही हूँ, क्योंकि ये लेसन हमने अभी जस्ट फिनिश किया है। दैट मीन्स कि यू हैव लर्न इट, आपको ये लर्न ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए क्लास। तो हमारा जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शंस। यस, ओ सॉरी, आई फॉरगेट। यस, दिस इज़ अवर लेसन नंबर 7, केयर ऑफ टीथ, यानी कि दांतों की देखभाल। तो आपने जाना था कि हमें दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। हमने आप सभी को बताया था कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, यानी कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है, साथ ही साथ हमने आपको ये बताया था कि कब करना चाहिए, यानी कि वंस इन मॉर्निंग, यानी एक बार सुबह, एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि बेड पर जाने से पहले। ठीक है क्लास, उसके बाद था कि आपको क्लीन योर टीथ एंड रिंस योर माउथ, यानी कि आपको अपने दांतों को साफ करना चाहिए, साथ ही कुल्ला करना चाहिए जब भी आप कुछ खाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रश करना चाहिए प्रॉपर, वो भी एक राइट वे में। ठीक है क्लास, तो चलिए अब हम इसका बुक वर्क देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर अब बेबी लिखा हुआ है, क्योंकि बेबी के पास वो टीथ होते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर आएगा अ चाइल्ड हैज़ 20 टीथ, एन एडल्ट हैज़ 32 टीथ। ओके, कैनीज आर, क्या होते हैं जो कैनीज टीथ होते हैं, वो कैसे होते हैं, शार्प पॉइंटेड, तो बोथ ऑफ दीज आएगा। फिर है नंबर ऑफ मोलर इज, यानी कि जो मोलर टीथ होते हैं उन कितने होते हैं, वो होते हैं 12, क्योंकि 3 एक साइड होते हैं, और फिर क्या होता है, ठीक है, उससे ऊपर होते हैं वो, तीन ही ऊपर होते हैं। ठीक है, चलिए अब फिलिंदा ब्लैंक से आपके पास, मिल्क टीथ आर कॉल्ड टेम्प्ररी टीथ, अ बेबी हैज़ नो टीथ, टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, एन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ। फिर देखिए ट्रू फॉल्स है, टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, दैट्स द ट्रू, यस, दांत हमारी हेल्प करते हैं बच्चों। कैनीज आर ट्यूरिंग टीथ, राइट, अ न्यू बॉर्न बेबी हैज 32 टीथ, रॉन्ग, वी शुड नॉट ब्रश ट्वाइस अ डे, क्या हमें दिन में 2 बार ब्रश नहीं करना चाहिए, रॉन्ग, यस, हमें तो करना चाहिए ना। अब नाउ मैचअप्स हैं, टीथ गिव फॉर्म एंड शेप, यानी कि एक आकार और हमें क्या देते हैं, रूप देते हैं, कटिंग बाइटिंग टीथ, यानी कि कटिंग बाइटिंग टीथ कौन से होते हैं, इंसाइजर्स, न्यू बॉर्न बेबी हैज नो टीथ, टियरिंग टीथ यानी कि फाड़ने वाले टीथ कौन से होते हैं बच्चों, वो होते हैं कैनीज, टीथ आर हार्ड, कौन से होते टीथ आर हार्ड, आप देख सकते हैं बोनी स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, मैं कंप्लीट आपको PDF सेंड करूँ जिसमें आपको ये सभी को लर्न करना होगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, मैं कंप्लीट लेसन 7 का आप सभी का टेस्ट लूँगी, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सभी का टेस्ट लूँगी, साथ ही साथ मैं आपको कंप्लीट PDF भी सेंड कर दूँगी। थैंक यू।